आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिपिड के बारे में बताया था, लिपिड की डेफिनेशन में बोला था कि लाइक लिपिड आर दी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ओके, तो जो लिपिड है उसमें मेन दो कॉम्पोनेंट होते हैं, फैटी एसिड और एल्कोहल। फैटी एसिड के बारे में आज जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट फैटी एसिड का जो नोमेनक्लेचर क्या होता है और कितने टाइप के फैटी एसिड है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक पर, फैटी एसिड। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या है, फैटी एसिड आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट एंड लिपिड। ओके, तो जो फैटी एसिड है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके, फैट के और लिपिड के। फैट इज द टाइप ऑफ लिपिड। ओके, और मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि जो फैटी एसिड है वो लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक होती है। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स जो लिपिड है वो इन्हीं की वजह से होती है, इन्हीं से बनती है, किससे, फैटी एसिड से। ओके, एडिशनल कॉम्पोनेंट होते हैं उसमें, लेकिन मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, फैटी एसिड। ओके, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, फैटी एसिड आर दी कार्बोक्सिलिक एसिड विद दी एलिफेटिक और हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, तो जो फैटी एसिड होती है उसमें दो मेन कंपोनेंट होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एलिफेटिक कार्बन चेन होगा। कार्बोक्सिलिक और एलिफेटिक कार्बन चेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइक दिस और एक लॉन्ग चेन होगी कार्बन कार्बन की। ओके, जनरली जो ये चेन होती है वो 4 से 32 कार्बन की होती है, 4 to 32 कार्बन। ओके, इन फैटी एसिड जो बायोलॉजिकल फैटी एसिड होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फैटी एसिड में होते हैं, उनमें जो कार्बन चेन होती है जनरली 4 to 32 कार्बन की होती है। ओके, तो मैंने बताया था कि लाइक जो फैटी एसिड है उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक या हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ओके, अब फैटी एसिड में एलिफेटिक चेन या हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें दो टाइप की चेन मिल सकती हैं, एक सैचुरेटेड या दूसरी है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो टर्म है हाइड्रोकार्बन चेन के लिए वो किस वजह से आया है वो देखते हैं। तो मैंने बताया था फैटी एसिड में दो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा है कार्बन चेन जिसे हाइड्रोकार्बन भी बोल रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से 4 to 32 कार्बन हो सकते हैं एक चेन में। यदि इस चेन के अंदर जो सभी कार्बन है वो किससे सैचुरेटेड है, हाइड्रोजन से। ओके, किससे सैचुरेटेड है, ओनली हाइड्रोजन से। सभी कार्बन किससे सैचुरेटेड है, हाइड्रोजन से। ओके, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड एलिफेटिक चेन। ओके, अब देखती है कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। यदि इस एलिफेटिक चेन के अंदर कहीं पर भी किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड मिल जाए, ओके, तो वो सैचुरेटेड ना होकर के क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। बिकॉज ऑफ इसमें जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन द्वारा सैचुरेट नहीं की जा रही है, जबकि डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा सैचुरेट की जाती है। तो फैटी एसिड के अंदर जनरली डबल बॉन्ड ही मिलता है, क्या मिलता है, डबल बॉन्ड। ओके, तो इस टाइप का जो फैटी एसिड है या इस टाइप की एलिफेटिक जो कार्बन चेन है उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन चेन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, तो फिर से देखते हैं, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो दो प्रकार से हो सकती है फैटी एसिड के अंदर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, जो भी कार्बन है वो सैचुरेटेड होगा किससे, हाइड्रोजन से। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड जो है वो या तो एक मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा। यदि डबल बॉन्ड एक है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे, यदि एक से ज्यादा है तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन मिलती है उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है मतलब उसमें डबल बॉन्ड होगा, ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड होगा, और जब सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, बिकॉज अब इनका नाम इस हाइड्रोकार्बन चेन की टाइप पर आया है।
ओके अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में भी दो तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने यहां बताया था फैटी एसिड के अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें यदि डबल बॉन्ड एक है, डबल बॉन्ड का नंबर एक है तो उसको मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, यदि डबल बॉन्ड दो है तो उसको दो एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ओके तो आई होप ये क्लासिफिकेशन इस टाइप का समझ में आया होगा डिटेल में, सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है, किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर होता है और इन सैचुरेटेड प्रेजेंट होगा यदि किसी हाइड्रोकार्बन चेन में और अनसेचुरेटेड होगा तो उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में एडिशनल जो फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पे मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जनरल इंट्रोडक्शन मीन्स फैटी एसिड क्या होती है, फैटी एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो सब चीजें मैं यहां बताने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट है फैटी एसिड जनरली अकर इन एस्टरीफाइड फॉर्म। ओके जो फैटी एसिड है वो जनरली एस्टरीफाइड फॉर्म में मिलेंगे। एस्टरीफाइड फॉर्म मतलब जब मैंने लिपिड का डेफिनेशन बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, तो फैटी एसिड और एल्कोहल के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको एस्टरीफिकेशन बोलते हैं, वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक सिंगल वीडियो बनाई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके तो व्हाट इज द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, तो जब एल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ओके तो जनरली फैटी एसिड एस्टरीफाइड फॉर्म में मिलेगा मतलब वो एल्कोहल के साथ बाइंड होगा, कभी कभी फ्री फॉर्म में भी मिलता है। तो जनरली जो है बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ जो फैटी एसिड है वो किस फॉर्म में मिलेंगे, लिपिड फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में बहुत रेयरली मिलते हैं जब उनका डाइजेशन होकर के वो जब ब्लड में जाते हैं। ओके देन ब्लड में जाकर के वो सेल में पहुंचते हैं, सेल उसको यूटिलाइज करती है किसके लिए, लिपिड बनाने के लिए। तो जनरली फैटी एसिड एस्टरीफाइड फॉर्म में मिलेंगे, फ्री फॉर्म में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो एनिमल फैटी एसिड होती है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट फैटी एसिड होती है वो क्या होती है, सिंपलर होती है देन दी जो प्लांट में मिलते हैं, प्लांट के अंदर जो फैटी एसिड है उसके कंपैरिजन में एनिमल में मिलने वाले फैटी एसिड सिंपलर होते हैं। अब सिंपलर और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपलर मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपलर होगा, उसमें हाइड्रोकार्बन चेन होगी और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी एनिमल फैटी एसिड के अंदर। लेकिन प्लांट में मिलने वाले फैटी एसिड होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलती है, उसमें एडिशनल फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं जैसे कि इपॉक्सी। ओके इसमें कार्बन चेन के साथ साथ इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी मिल सकती हैं। ओके ये इपॉक्सी ग्रुप है, कीटो ग्रुप मिल सकता है, कीटो फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है, ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। प्लांट के जो फैटी एसिड है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके तो आई होप ये फैटी एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।